आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हो गए हालात, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अब मानसून रहेगा मेहरबान, यूपी बिहार सहित देश के 23 राज्यों में बारिश का है अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सवेरे झमाझम बारिश हुई, इससे लोगों को मुस्बरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित देश के 23 राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। वही मौसम विभाग ने अपने वेदर बुलेटिन जो दिया है उसके मुताबिक आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिण आंध्र प्रदेश, यनम और कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने और गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई है। वही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक मानसून ट्रफ जो है उसका पश्चिमी सूर्य समय हिमालय के तलहटी के करीब चल रहा है, इसका पूर्वी छोर जो है सामान्य से दक्षिण की ओर चल रहा है। वही 21 तारीख से यानी कल से पूर्वी छोर इसका अपनी सामान्य स्थिति की ओर खिसकने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है लो प्रेशर एरिया जो है उत्तरी ओडिशा और उसके आसपास मौजूद है, अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर यहाँ पर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वही एक और पश्चिम विक्षोभ जो है मध्य सुबह मंडल पश्चिमी हवाओं की गर्द के रूप में आगे बढ़ रहा है। वह अगले 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु में गर्म और नम मौसम बने रहने की संभावना है। IMD ने कहा है कि आज पश्चिमी मध्य और निकटवर्ती पूर्व मध्य और दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी अरब सागर और कोमरन क्षेत्र और तमिलनाडु के तट के करीब जो है 30 से 40 किलोमीटर से कुछ इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, इसलिए मछुआरों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बात अब राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की कर लेते हैं। राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों में सबसे पहले यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में आज कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की बात कही गई है। दरअसल मौसम की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य में कल का दिन अच्छा रहा। लखनऊ में जहां पर 9 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है तो कानपुर और इटावा में भी 7 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं गोरखपुर में भी 1 mm से अधिक बारिश हुई है। वहीं कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश जो है चुरुक जिले में यहाँ पर की गई है, चुरुक जो जिला है वहाँ की गई। इसके अलावा वाराणसी में 24 mm और गाजीपुर में 5 mm और झांसी में 4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वह आने वाले 24 घंटों में बारिश का दो चार रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं बिहार में भी लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। 22 तारीख से कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार बिहार में जताए गए हैं। वहीं पटना के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सुबह में कुछ जिलों में एक दो जगह पर हल्की मध्यम बारिश और वज्रपात की स्थिति 21 तारीख तक बनी रहेगी, जबकि 22 तारीख तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश के आसार जो है बिहार के अंदर जताए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज बारिश बादल जो है बरस रहे हैं। मौसम विभाग छत्तीसगढ़ के मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। रायपुर समेत कई जिलों में इस तरह का मौसम रहने के आसार जताए गए। वही हिमाचल में भी लगातार जारी है बारिश का दौर, 10 जिलों में मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट